प्रशासन अतिक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में सख्त है और हर तरह के माफियों पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आग्रह पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ककरहटी से भी एक खबर सामने आई है, जहां पर सकरिया की ओर 3 किलोमीटर पुरमिया बाला के पास जो राजस्व विभाग की जमीन थी, जिस पर लोगों ने अवैध रूप से झोपड़ी बनाकर कब्जा कर रखा था, जिसके खिलाफ आज देवेंद्र नगर के नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति के द्वारा जेसीबी मशीन से उन झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ककरहटी क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में भी जो सड़क के किनारे अतिक्रमण भयानक रूप ले रहा था, जिसके खिलाफ भी राजस्व विभाग ने अपना बुलडोजर चलाया है। यहाँ के नायब तहसीलदार राकेश प्रजापति कहते हैं कि अगर लोगों ने 2 दिन के अंदर अपना अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन जेसीबी मशीन से उनके प्रतिष्ठानों को जमींदोज कर देगा। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि अब जरा ककरहटी का प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि मेन बस स्टैंड पर जो सकरिया से गुनौर मार्ग के आजू बाजू की जगह में लोग अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं, उन पर भी जरा अपना बुलडोजर चलाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को आने जाने में और वाहन निकालने लाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अशोक विश्वकर्मा, खबर एक्सप्रेस न्यूज, ककरहटी।